वेलकम टू हयात डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट जिशान हयात। आज के इस लेसन में हम अपने फॉर्म को अपने ईमेल से लिंक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेते हैं। एक बार हम अपने साइट को विजिट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने एक ये सेक्शन बनाया है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट डाले हैं, कुछ बटन्स डाले हैं, ठीक है। एक ये सेक्शन बनाया है जिसमें हमने फ्लिप बॉक्सेस डाले हैं और बटन्स डाले हैं, ठीक है। एक ये सेक्शन बना है जिसमें हमने अबाउट अस, लोकेशन और कॉन्टैक्ट अस का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। एक हमने फॉर्म ऐड किया है और कुछ ब्लॉग पोस्ट किए हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्लाइंट इस फॉर्म को भरे तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं, जैसे फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, वो मेरे ईमेल पर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड पर, फिर हम जाएंगे WP फॉर्म्स में, ठीक है, और हम करेंगे क्लिक ऑल फॉर्म्स पर। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम कर लेंगे एडिट। हम जाएंगे सेटिंग्स पर और यहां से हम नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना एक वर्किंग ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिख देते हैं क्लाइंट इन्फो, नेम हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर फिर से हम सेम आईडी डाल देंगे। ठीक है, बाकी सारे फील्ड्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसे कर देते हैं हम सेव। ठीक है, इसे करते हैं क्लोज और अब एक बार हम फॉर्म भर के देखते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेल को चेक कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, स्पैम में भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पर हमें एक मेल रिसीव हो गया है। ठीक है, इसमें जो भी क्लाइंट हमारे फॉर्म को भरेगा उसका डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे उसका ईमेल आईडी, उसका नाम, फ़ोन नंबर और उसकी इंक्वायरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म को अपने मेल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम कर देते हैं एक बार हार्ड रिफ्रेश।
ठीक है। अभी हमारी साइट पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वाला सेक्शन सबसे नीचे चला जाए, तो इसे हम ड्रैग करेंगे और सबसे नीचे ले जाएंगे। और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये ठीक है, पहले से यहाँ पर दो दो स्पेसर आ गए, तो एक स्पेसर को हम नीचे ड्रैग करके ले जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्विसेज वाला जो सेक्शन है इसका एक कोई बैकग्राउंड कलर या इमेज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे स्टाइल पर और यहाँ से हम करेंगे बैकग्राउंड टाइप, ये क्लासिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई कलर चूज़ कर लेंगे, तो जैसे मैं ग्रे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा इस सेक्शन का कलर चेंज हो गया। आप चाहें तो कोई बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं यहाँ से इमेज चूज़ करके, जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला इमेज बैकग्राउंड बन जाए, तो इसे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। मैं इसे कलर पे ही कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी कोई बैकग्राउंड कलर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट सेक्शन स्टाइल बैकग्राउंड टाइप एंड यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे, ये ठीक है। ठीक है, इसे कर देंगे हम अपडेट। ठीक है, इसे कर देते हैं प्रीव्यू। ठीक है, पहले से काफी अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे डिफरेंट नेविगेशन मेन्यू है, जैसे ब्लॉक्स हैं, सर्विसेज हैं। हमने ब्लॉक्स में क्या डाला था, पोस्ट। हम ब्लॉक्स को क्लिक करेंगे तो हमारी वो पोस्ट, रिसेंट पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। बैक जाते हैं। अब जैसे ये है सर्विसेज, हमने सर्विसेज के अंडर सब मेन्यू बनाए थे, ठीक है, पिछले लेसन में। तो अगर यहाँ पर हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सर्विसेज का कोई पेज ना ओपन हो, ठीक है, और ये सारे पेजेस ओपन हो जाए, ठीक है। इनके पेजेस तो ओपन होंगे ही, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट वाले को क्लिक किया तो ये फर्स्ट वाले का पेज खुल गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये सर्विसेज का कोई पेज ना खुले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे अपीयरेंस और मेन्यूज। अब यहाँ से हम जाएंगे सर्विसेज पे, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे डिसेबल लिंक, ठीक है, इसे चेक कर देंगे और हम कर देंगे सेव मेन्यू, ठीक है। एक बार फिर से हम अपने साइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं सर्विसेज को क्लिक करूँगा तो कोई भी पेज, कोई न्यू पेज ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे डैशबोर्ड पर, यहाँ से जाएंगे हम
पेजेस पर और कॉन्टैक्ट अस पेज को हम करेंगे एडिट। और इसे करेंगे हम एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये है फुटर एरिया और ये है विजेट एरिया। जो हल्का सा लाइट ब्लैक है वो है विजेट एरिया और जो डार्क ब्लैक है वो है फुटर एरिया। तो इस विजेट एरिया को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर जाकर हम ये विजेट एरिया को कर देंगे हम डिसेबल। ठीक है, इसे कर देंगे हम अपडेट। ठीक है, उसके बाद हम एक बार फिर से करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, ये विजिट एरिया डिसअपियर हो गया। ठीक है, अब हम इसे कर लेंगे एडिट। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में मैं एक इमेज डालना चाहता हूँ और उसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो इमेज डालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ से इमेज डाल दोगे, ठीक है, बट आप इस इमेज पर कुछ लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस इमेज को, जो भी इमेज आप डालना चाहते हैं उस इमेज को आपको बैकग्राउंड में चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम जाएंगे एडिट सेक्शन में और यहाँ से हम लेंगे स्टाइल। ठीक है, यहाँ से हम बैकग्राउंड टाइप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। आपको अगर हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए तो आप वो पिक्सेल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री स्टॉक फोटो साइट है और इसके इमेजेस कहीं पर भी कॉपीराइट नहीं होंगे, तो आप यहाँ से इमेजेस यूज कर सकते हैं। हम कोई एक रैंडम इमेज चूज कर लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे कर लेते हैं मीडियम पे और इसे कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, इसे कर देते हैं डेस्कटॉप और सेव। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आप जो भी इमेजेस अपने साइट पर यूज कर रहे हैं उन इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और साइज कम होने चाहिए। साइज अगर ज्यादा रहा इमेजेस का तो आपकी साइट लोड होने में टाइम लेगा और इससे आपके क्लाइंट्स आपके साइट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इमेज की क्वालिटी मेंटेन करते हुए उसकी साइज को डिक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे टाइनी PNG। ठीक है, इस साइट से आपकी कोई भी इमेज की साइज डिक्रीज हो जाती है और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने इमेज को साइज कम कर देंगे।
अब देखिए 104.5 KB की इमेज को इसने 60 KB में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसे हम कर लेंगे डाउनलोड। इसका हम नाम कुछ दे देंगे और इसे कर लेंगे सेव। ठीक है, अब हम जाएंगे बैकग्राउंड टाइप पर और हम इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, इंसर्ट मीडिया। अब इसे हम कर देंगे सेंटर सेंटर और इसे कर देंगे हम कवर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लेआउट पर और हाइट को कर देंगे फिट टू स्क्रीन। ठीक है, ये बहुत बड़ी हो गई इमेज की साइज, तो हम क्या करेंगे इसे मिनिमम हाइट। ठीक है, और यहाँ से आप हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इतना रखता हूँ। ठीक है, 460 कर देते हैं और 450 कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहां पर हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसे कर देते हैं सेंटर अलाइंड। स्टाइल में जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे हम इसका। टाइपोग्राफी पे जाएंगे और इसका स्टाइल हम चेंज कर देंगे। साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हमने लिखा है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क है और हमने जो फॉन्ट का कलर लिया वो भी डार्क है, तो उतना पता नहीं चल रहा है, तो उतना दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड की ओपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिट सेक्शन में जाएंगे, स्टाइल पर जाएंगे, बैकग्राउंड ओवरले पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड टाइप और यहाँ से कोई कलर चूज कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ठीक है, अब नीचे एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्पेसर डाल देते हैं, एक और सेक्शन ऐड करते हैं और इसके अंदर हम दो इनर सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक आइकन डाल देते हैं। ठीक है, आइकन चेंज करके हम फोन हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फोन नंबर। ठीक है, इसे कर देते हैं हम सेंटर अलाइंड। स्टाइल में जाकर हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, यहां से हम फॉन्ट ले लेते हैं, इसे कर देते हैं हम ठीक है, हम चाहे तो साइज भी यहां से चेंज कर लेंगे।
ठीक है। सिमिलरली हम इसे कर लेंगे, सेकंड वाले को एडिट कर लेंगे। यहाँ से हम जाते हैं आइकन, यहाँ से हम आइकन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसकी कलर चेंज करनी है तो यहाँ से जाएंगे, प्राइमरी कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जाते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक टेक्स्ट, ठीक है। इसे कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे, आप चाहे तो ब्लैक भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे हम कर देंगे ऑफ साइड, साइज चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम कर देंगे सेंटर अलाइंड, ठीक है। इसका भी हम कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसे कर देते हैं हम अपडेट, ठीक है। एक बार अपने साइट को विजिट करते हैं, ठीक है। अब सर्विसेज में ये आ गया, ब्लॉग्स में हमारे रिसेंट पोस्ट आ गए, ठीक है। कॉन्टैक्टर्स में हमारा ये इन्फो आ गया, ठीक है। अब हमारी साइट और भी अच्छी हो गई है, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसा जैसे ही मैं अपने साइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सारी इमेजेस एक साथ स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये बैकग्राउंड इमेज है वो स्क्रॉल ना हो, वो फिक्स्ड रहे यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी मैं स्क्रॉल करूँ तो ये सारा टेक्स्ट और ये मेन्यू और ये हेडिंग ये सारा स्क्रॉल हो, और ये बैकग्राउंड इमेज जो भी है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे एलिमेंटोर में, एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है। ठीक है, हम एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्टाइल पे जाएंगे और इस बैकग्राउंड इमेज को हम कर देंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट में हम इसे कर देंगे फिक्स्ड, ठीक है, और इसे कर देंगे हम अपडेट, ठीक है। एक बार अपने साइट को विजिट कर लेते हैं फिर से। अब देखिए, अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरी बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड रहेगी और बाकी सारा चीज स्क्रॉल होगा, ठीक है। ये आप हर इमेज जो भी आपका बैकग्राउंड बना हो वो उस इमेज के साथ आप ये चीज कर सकते हैं, बट ध्यान में रहे वो इमेज आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर।